नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हेमू व्लॉग्स पर। तो दोस्तों, आज हम आ गए हैं भूतों के मेले में। तो दोस्तों, शॉक और डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ, हम ऐसी जगह पर आइए जहाँ पर लगता है भूतों का मेला। दोस्तों, हम आ गए हैं भारत के मध्य प्रदेश में, एक बैतूल जिला है, वहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव पड़ता है मलाजपुर, जहाँ पर लगता है भूतों का मेला। दोस्तों, यहाँ पर हर प्रकार के भूत का इलाज किया जाता है, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, या किसी का किया धरा, या सांप का काटा हुआ, या बहुत सारी यहाँ पर चीज़ों का यहाँ पर इलाज किया जाता है। दोस्तों, ये जो मेला लगा आ रहा है, ये लगभग आज से 400 साल पहले से लगा आ रहा है ये मेला। और दोस्तों, ये मेले के पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ, और यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ लाइव भूत। जी हाँ दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ एकदम लाइव भूत। तो दोस्तों, बने रहिए पूरी वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, भूतों का मेला पौष पूर्णिमा से लेकर बसंत पंचमी तक लगता है, जो कि 20 दिनों का होता है। दोस्तों, भूतों के मेले के लगने के पीछे की कहानी है कि यहाँ पर पहले एक देवजी नाम के संत हुआ करते थे, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने जीवनकारी कल्याणकारी कार्य करने के लिए 44 वर्ष की उम्र में ही जीवित समाधि ले ली थी। तब से यहाँ पर भूतों का मेला लगता चला आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रकार की असाधारण गतिविधि का इलाज निःशुल्क हो जाता है, और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर सर्प के दंश का इलाज और भी कई प्रकार के इलाज यहाँ पर किए जाते हैं। कुछ ही समय पर यहाँ पर अभी महाआरती शुरू होने वाली है, उसके बाद जैसे यहाँ पर भूतों का इलाज शुरू होता है, हम वो आपको दिखाएंगे। और दोनों जोड़े से हां, और आगे बोलो, और बोलो, आज तक दूसरे में भेजो।
दोबारा आना मत।
ये भैया कई प्रकार के हो, वैसे छह प्रकार इनका नाम गिनाया गया है।
अब उसके अलावा अपन वो गुरु साहब जाने खरब हो जाने। कौन कौन सी योनियां होती है प्रेतों में? ये है प्रेत, पिशाच, यक्ष, दानव, किन्नर। ये कैसे निकलते हैं, कैसे आते हैं? बस गुरु महाराज की जय बोलते हैं और वही उनको बुलवाते हैं। आपने जो देखा यही सत्य है। कहाँ जाते हैं ये प्रेत? ये प्रेत को मोक्ष होता है, इनको मोक्ष होता है। यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ये योनि पलट जाती है इनकी। गुरु साहब की शरण में आने के बाद में ये दूसरी जगह कोई दूसरे को नहीं लग पाएंगे, कभी भी आज तक नहीं लग। और दोस्तों मंदिर प्रांगण के बाजू में यहाँ पर बना हुआ है ये रूम, और इस रूम के अंदर भरा हुआ है पूरा गुड़। और दोस्तों ये वही गुड़ है जो भगवान यहाँ पर गुरु साहब बाबा को जो चढ़ाया जाता है, वही गुड़ यहाँ इस रूम के अंदर रखा हुआ है। और इस गुड़ में कभी भी मक्खी नहीं लगी आज तक यहाँ पर। एक मतलब आप एक इसको जो भी बोल सकते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड है कि इस गुड़ में आज तक कभी भी मक्खी नहीं लगी। और यहीं से एक सीढ़ी जाती है, और सीढ़ी के ऊपर जो सुपर फर्स्ट फ्लोर पर मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर यहाँ पर जो गुरु साहब बाबा है उनकी गादी है। गादी को यहाँ पर बोला जाता है रहने की जगह, तो हम जा रहे हैं वहीं ऊपर, और वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ उनकी गादी जहाँ पर वो विश्राम करते थे, जहाँ पर वे रहते थे। तो दोस्तों ये है वो गादी जहाँ पर गुरु साहब बाबा विश्राम किया करते थे, यही वो उनकी गादी है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा भूतों का मेला मलाजपुर का ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड डू टेक वेरी केयर ऑफ यूर सेल्फ।